हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10 के लिए आज हम चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया। देखिए स्टेटमेंट, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर इनटू अ सर्कुलर सिस्टर्न ऑफ डायमीटर 10 मीटर एंड डेप्थ 2 मीटर। इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टर्न बी फिल्ड। स्टेटमेंट क्या कह रही है, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। पानी का जो बहाव है, पानी बहने की जो स्पीड है वो कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। फिर आगे दिया गया, थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर। थ्रू अ सर्कुलर पाइप, यहाँ पे देखिए एक सर्कुलर पाइप बना हुआ है। सर्कुलर पाइप का मतलब है, पाइप तो सिलिंड्रिकल है लेकिन यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में क्या, सर्कुलर पाइप। सर्कुलर पाइप के कहने का मतलब है कि पाइप सिलिंड्रिकल होगा। सर्कुलर इसलिए कह रहा है क्योंकि इसका बेस क्या होगा, सर्कुलर होगा। देखिए बेस है ना सर्कुलर, और इसका इंटरनल डायमीटर, आपको इंटरनल डायमीटर इस जो यहाँ पे जो सर्कुलर पाइप है यानी कि जो सिलिंड्रिकल पाइप है, सिलिंड्रिकल पाइप है तो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, वो बेस होगा क्या होगा, सर्कल की फॉर्म में, इसलिए सर्कुलर बोल रहा है। ठीक है, तो इसका इंटरनल डायमीटर, इसका इंटरनल डायमीटर कितना दिया गया है इस पाइप का, दिया गया है कितना, 20 सेंटीमीटर। कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इनटू अ सर्कुलर सिस्टर्न ऑफ डायमीटर 10 मीटर एंड डेप्थ 2 मीटर। हम यहाँ पे कह रहा है इनटू अ सर्कुलर सिस्टर्न, सिस्टर्न मतलब एक हौज जो कैसा है, सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब सिलिंड्रिकल, सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब है क्वेश्चन में सर्कुलर कह रहे हैं यानी कि बेस की बात कर रहा है, बेस इसका क्या है, सर्कुलर है ना। तो यहाँ पे इसमें यानी कि इस सर्कुलर पाइप से इस सर्कुलर सिस्टर्न में जो पानी आ रहा है उसकी स्पीड कितनी दी गई, उसकी स्पीड दी गई 3 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे जो पाइप है इसका इंटरनल डायमीटर दिया गया 20 सेंटीमीटर, और जो यहाँ पे जो सर्कुलर सिस्टर्न है इसकी आपको डायमीटर, इसका डायमीटर कितना है 10 मीटर, और इसकी डेप्थ, डेप्थ यानी इसकी हाइट, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 2 मीटर। ठीक, ये चीजें दी गई आपसे। अब आपसे कह रहा है इन हाउ मच टाइम विल द सिस्टर्न बी फिल्ड, तो कितना टाइम लगेगा कि ये सिस्टर्न जो है ये फिल हो जाए, पूरा भर जाए, है ना। कितने टाइम में ये पाइप जो है इस सिस्टर्न को भर देगा यानी कि पूरा भर जाएगा पानी से। ठीक, ये निकालना है, टाइम निकालना है। तो ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में देखिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन है उसको हम लिख लेंगे। ये देखिए पाइप है, ये सिस्टर्न है, दिया क्या क्या गया हमें, हमें दिया गया यहाँ पे जो इस पाइप से, इस सिलिंड्रिकल पाइप से जो यहाँ पे पानी बह रहा है, किसमें बह रहा है, इस सिलिंड्रिकल सिस्टर्न में, तो इसकी स्पीड दी गई हमें। और क्या दिया गया, इस पाइप का हमें इंटरनल डायमीटर दिया गया यानी कि डायमीटर दिया गया। उसके बाद और क्या दिया गया, इस सिलिंड्रिकल सिस्टर्न की, इस सिलिंड्रिकल सिस्टर्न की हमें डेप्थ दी गई यानी इसकी हाइट दी गई, और इसका डायमीटर दिया गया। ठीक है, तो हमें रेडियस तो आराम से मिल जाएगा, हमें निकालना है कि कितने टाइम में ये सिस्टर्न जो है ये पूरा भर जाएगा, हमें टाइम पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो चीजें दी गई लिख लेंगे। ये पाइप है, ये सिलिंड्रिकल सिस्टर्न, देखिए डायग्राम भी बना लेंगे, डायग्राम बनाना जरूरी है। अब यहां पर देखिए हम शुरुआत करते हैं कहां, वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, तो वाटर की स्पीड दी गई, हम लिख देंगे यहाँ पे स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर कितना दिया गया, देखिए 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, है ना, 3 किलोमीटर पर आवर स्पीड दी गई। अब यहाँ पे अगर हम बात करें 3 किलोमीटर पर आवर, जैसे लिखा है इसको देखिए 3 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एक घंटे पर आवर का मतलब एक घंटे में कितना, 3 किलोमीटर, तो एक घंटे में 3 किलोमीटर, यानी कि जो पानी है इस पाइप में, इस पाइप में जो पानी है वो एक घंटे में कितना, यानी कि 3 किलोमीटर, यानी इस पाइप में, सिलिंड्रिकल पाइप में अगर एक घंटे की हम बात करें तो एक घंटे में ये पाइप 3 किलोमीटर पानी, इतना डिस्टेंस का पानी यानी इतनी लेंथ का पानी, 3 किलोमीटर डिस्टेंस का पानी एक घंटे में क्या करता है, सिस्टर्न में डालता है। यानी कि हर एक घंटे में ये जो पाइप है ये क्या करता है, हर एक घंटे में कितना, कितनी डिस्टेंस का, कितनी लेंथ का पानी, 3 किलोमीटर लेंथ का पानी हर घंटे सिस्टर्न में डालता है। यानी कि हमें यहां से मिल जाएगी क्या, इस पाइप की लेंथ, इस पाइप की लेंथ यानी इस पाइप की हाइट, हाइट भी बोल सकते हैं, है ना। 3 किलोमीटर पर आर का मतलब ही ये हुआ कि ये जो सिलिंड्रिकल पाइप है ये घर हर घंटे यानी पर आर हर घंटे ये क्या करता है, 3 किलोमीटर डिस्टेंस का पानी, 3 किलोमीटर लेंथ का पानी क्या करता है, सिस्टर्न में डालता है हर घंटे, हर घंटे की बात की जाएगी तो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, इस पाइप की लेंथ मिल गई यानी इस पाइप की हाइट मिल गई। हम लिख लेंगे लेंथ ऑफ पाइप, लिखिए या हाइट ऑफ पाइप, बात एक ही है, हम लिख ले रहे हैं लेंथ ऑफ पाइप, लेंथ ऑफ पाइप, इसको हम दिखा दे रहे हैं किससे, एच से, लेंथ ऑफ पाइप।
ठीक है, तो कितनी है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। अब यहां पे देखिए जितनी भी चीजें हैं सब किसमें है, 1 किलोमीटर पर आर, ये सेंटीमीटर में ये, और ये मीटर, ये मीटर। तो यहां पे जो सेंटीमीटर है या किलोमीटर है उसको हम किसमें कन्वर्ट कर ले रहे हैं, मीटर में। ठीक है, यानी कि जितने भी डायमेंशन होनी सारी किसमें होनी चाहिए, सब सेम होनी चाहिए। अगर मीटर मीटर में करें सारे मीटर में, सेंटीमीटर में करें तो सारे सेंटीमीटर में, तो हम मीटर में कर ले रहे हैं। चलिए 3 किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3000 मीटर, 3000 मीटर ये आ गया। ठीक, चलिए लेंथ ऑफ पाइप पता लग गया। अब हमें इस पाइप का डायमीटर भी दिया गया, इंटरनल डायमीटर, हम लिख लेंगे इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप, इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप, इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप, इसको हम लिख रहे हैं डी से। ये कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर है, इंटरनल डायमीटर कितना है 20 सेंटीमीटर यहां दिया गया। थ्रू अ सर्कुलर पाइप ऑफ 20 सेंटीमीटर इंटरनल डायमीटर, ठीक है, ये दिया गया कितना 20 सेंटीमीटर। अब यहां पे हम क्या करेंगे, रेडियस निकाल ले रहे हैं, डायमीटर आपको दिया गया पाइप का, तो रेडियस निकाल लीजिए। अब रेडियस ऑफ पाइप इसको हम दिखा दे रहे आर से, स्मॉल आर। तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, हाफ करिए तो 10 सेंटीमीटर ये आ गया। अब 10 सेंटीमीटर क्योंकि हमको सबको किसमें रखना है, मीटर में, सारी डायमेंशन क्या सेम रखना है, तो चलिए इसको मीटर में करेंगे। तो 100 से डिवाइड, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड, जैसे डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.1 मीटर, इसको मीटर में कर लिया तो आ गया 0.1 मीटर, 1/10 यानी कि 0.1 मीटर ये आ गया। ठीक है, अब तो पाइप का सब कुछ क्लियर हो गया। आप देखिए आपको लेंथ भी मिल गई यानी हाइट भी मिल गई, इसका रेडियस भी मिल गया। अब हम आते हैं सिस्टर्न पे, सिस्टर्न में क्या क्या दिया गया उसको भी देख लेते हैं, आगे बढ़ेंगे इनटू अ सिस्टर्न ऑफ डायमीटर। सिस्टर्न का डायमीटर दिया गया, डेप्थ दी गई, यानी डायमीटर दिया गया तो हम रेडियस निकाल लेंगे, और डेप्थ यानी हाइट दी गई, इसको भी लिख ले रहे हैं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ सिस्टर्न, यहां देखिए डायमीटर ऑफ सिस्टर्न, डायमीटर ऑफ सिस्टर्न, इसको हम दिखा देते हैं D1 से, है? कितना दिया गया है 10 मीटर, 10 मीटर। रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस ऑफ सिस्टर्न, रेडियस ऑफ सिस्टर्न, इसको हम R1 दिखा देते हैं, ठीक है, क्योंकि R ऊपर दिखा चुके हैं R1, तो इसका हाफ हो जाएगा 10/2 करेंगे 2 5 z, यानी 5 मीटर आ जाएगा। कितना आ गया सिस्टर्न का रेडियस, कितना आ गया 5 मीटर। डेप्थ भी दी गई है, डेप्थ यानी हाइट, यहां लिख रहे हैं डेप्थ ऑफ सिस्टर्न, डेप्थ ऑफ सिस्टर्न, ऊपर हम एच दिखा चुके हैं, यहां H1 ले ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कितनी दी गई 2 मीटर, कितनी है 2 मीटर। ठीक, अब यहां देखिए जितनी डायमेंशन इसकी दी गई थी पाइप की, और जितनी डायमेंशन इसकी क्या कहते हैं सिस्टर्न की दी गई थी, सारी हमने लिख ली। अब आपको पता क्या करना है, टाइम, तो इसको हम इजिली पता कर सकते हैं। देखिए हम लिख देंगे देयरफॉर टाइम टेकन, हमें पता करना है कि ये पाइप जो है कितना टाइम लेगा इस सिस्टर्न को पूरा भरने में, तो यहां पे हम लिख ले रहे टाइम टेकन, टाइम टेकन, टाइम टेकन इज इक्वल टू होगा क्या, इस सिस्टर्न में जितना पानी आएगा उसका वॉल्यूम डिवाइडेड बाई इस पाइप, यानी कि जो ये सिलेंड्रिकल पाइप है, ये 1 घंटे में कितना पानी इसमें भेज रहा है उसका हमें वॉल्यूम, है ना, यानी जो सिस्टर्न में जो पानी आएगा उसका वॉल्यूम, उसको हम डिवाइड कर दें किससे, ये पाइप जो सिलेंड्रिकल पाइप, ये हर घंटे यानी कि 1 घंटे में कितना पानी इस सिलेंड्रिकल सिस्टर्न में भेज रहा है उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, देखिए मैं लिख दे रहे हैं टाइम टेकन, तो यहां पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉटर, वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन सिस्टर्न, है ना, वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन सिस्टर्न डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन सिस्टर्न डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉटर, वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन पाइप, यहां लिख दे वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन पाइप पर आर। ठीक, यहां लिख दिया गया, देखिए वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन सिस्टर्न डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन पाइप पर आर, 1 घंटे में जो पानी ये सिस्टर्न में भेज रहा है उसका वॉल्यूम 1 घंटे में। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर देंगे आ जाएगा। चलिए यहां पे हम वैल्यू रख ले रहे हैं, फॉर्मूला लगाते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉटर इन सिस्टर्न, सिस्टर्न का देखिए सिस्टर्न की डायमेंशन यहां सारी दी गई, R1 लिया गया रेडियस, H1 लिया गया है हाइट, यहां पे फॉर्मूला जो बनेगा सिस्टर्न दोनों क्या सिलेंड्रिकल फॉर्म में, यहां पे सर्कुलर दिया गया, सर्कुलर का मतलब इसका बेस, इसकी बेस का कह रहा सर्कुलर, इसका बेस बोल रहा है सर्कुलर, ठीक है, रहेगा सिलेंड्रिकल। चलिए अब यहां पे हम क्या करेंगे,
वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिस्टम, तो दोनों चीजें पाई और सिस्टम दोनों कैसे हैं, सिलिंड्रिकल है, तो सिलेंडर का फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन रेडियस यहाँ आर वन है और हाइट क्या है एच वन, तो पाई आर वन स्क्वायर एच वन, पाई आर वन स्क्वायर एच वन सिस्टम का ये हो जाएगा ठीक, डिवाइडेड बाई मैं इक्वल का साइन लगा दे रहे हैं ये, और नीचे उसका क्या लिया हमने, पाइप वाले का पाइप का लिया है रेडियस, पाइप का रेडियस क्या है आर और हाइट क्या है एच, तो यहाँ पे आपका सिंपल सा रहेगा क्या, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो लगेगा फॉर्मूला। चलिए और आगे सॉल्व कर देंगे, अब यहाँ देखिए पाई से तो पाई सीधा सीधा क्या हो गया कैंसिल हो गया, अब यहाँ आगे आ गया हमारा आर वन स्क्वायर एच, कितना आ गया आर वन स्क्वायर एच अपॉन आर एच, आर वन स्क्वायर एच वन अपॉन आर एच है ना, आर वन स्क्वायर एच वन अपॉन आर स्क्वायर एच अपॉन आर स्क्वायर एच, यहाँ भी लिख दे रहे हैं आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, ये तो बचा आर वन स्क्वायर एच वन अपॉन आर स्क्वायर एच, वैल्यू लिख दीजिए आपके पास आई वैल्यू कितनी है, वैल्यू यहाँ लिख ले रहे हैं आर वन कितना है, आर वन फाइव है, तो फाइव का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर है ना इंटू एच वन कितना है, एच वन है आपका टू, एच वन टू है यहाँ लिख दिया टू, डिवाइडेड बाई नीचे कितना रहेगा आर स्क्वायर एच, आर कितना है आर, आर है जीरो पॉइंट वन, नीचे आपका रहेगा जीरो पॉइंट वन का स्क्वायर, जीरो पॉइंट वन का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है, एच देखिए कितना है, एच है थ्री थाउजेंड मीटर, एच है थ्री थाउजेंड, थ्री थाउजेंड मीटर ये रख लिया गया ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, चलिए यहाँ सॉल्व कर लिया, इसके बाद यहाँ फाइव स्क्वायर इंटू टू, फाइव फाइव ट्वेंटी फाइव टू द फिफ्टी कितना आ जाएगा, फिफ्टी आ जाएगा, डिवाइडेड बाई इधर कितना है जीरो पॉइंट वन का होल स्क्वायर, यानी कि जीरो पॉइंट वन इंटू जीरो पॉइंट वन, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई कराएंगे जीरो पॉइंट जीरो वन इंटू दिया ही गया है पहले से ही यहाँ पे थ्री थाउजेंड लिखा है ना, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा फिफ्टी अपॉन जीरो पॉइंट जीरो वन को अगर थ्री थाउजेंड से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा हमारा थर्टी, कितना आ जाएगा थर्टी, अब ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ आ गया कितना फाइव अपॉन थ्री आर, फाइव अपॉन थ्री आर, पांच बटे तीन घंटे लगेंगे। अब इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करना हो तो मिनट में कर देंगे तो फाइव अपॉन थ्री है ये, घंटे को मिनट में करने के लिए क्या करते हैं सिक्सटी से मल्टीप्लाई, तो सिक्सटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिक्सटी से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे आ जाएगा थ्री टू द सिक्स, यानी फाइव इंटू ट्वेंटी यानी आ गया हंड्रेड मिनट, ये क्या आ गया मिनट में आ गया, क्योंकि हमने क्या क्या देखिए सिक्सटी से मल्टीप्लाई किया यानी आवर को मिनट में बदल दिया, तो है कितना आ गया हंड्रेड आएगा, ये आ गया हंड्रेड, कितना आ गया हंड्रेड मिनट, फाइव इंटू ट्वेंटी, फाइव इंटू ट्वेंटी यानी हंड्रेड, तो हंड्रेड मिनट आया ठीक है। चलिए अब हंड्रेड मिनट आया तो यहाँ हंड्रेड मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, नहीं देख लीजिए, चलिए हंड्रेड मिनट आया जैसे यहाँ पर रफली हम देख सकते हैं हंड्रेड मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कहाँ लिखा है आपको यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए हंड्रेड मिनट है तो हंड्रेड मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, हंड्रेड मिनट को हम चाहे तो ऐसे लिख दें सिक्सटी मिनट प्लस फोर्टी मिनट, सिक्सटी मिनट प्लस फोर्टी मिनट, हंड्रेड मिनट और क्या सिक्सटी प्लस फोर्टी हंड्रेड, तो हंड्रेड को हम तोड़ के लिख सकते हैं सिक्सटी मिनट प्लस फोर्टी मिनट, सिक्सटी मिनट यानी वन आवर, सिक्सटी मिनट का मतलब क्या होगा वन आवर, और फोर्टी मिनट को फोर्टी मिनट आएगा दीजिए, इसको अगर लिखेंगे आप तो क्या लिखेंगे कितना टाइम लगा, वन आवर सिक्स, वन आवर फोर्टी मिनट, एक घंटे चालीस मिनट, इसको हम लिख सकते हैं हंड्रेड मिनट क्या लिख सकते हैं वन आवर फोर्टी मिनट, हम लिख दे रहे हैं वन आवर फोर्टी मिनट, यही हो जाएगा आंसर, यानी कितना टाइम लगेगा इस पाइप से इस सिस्टर्न को फिल करने में, कितना कितना टाइम लगेगा, ये लगेगा आपको एक घंटा चालीस मिनट, वन आवर फोर्टी मिनट ठीक है, कर लीजिए।